कुछ समझ नहीं आ रहा, बापू का पता कैसे लगा? मुझे ये खिलौना चाहिए पिताजी। पुत्र, ऐसी बातें नहीं करते। मैं अगले माह कुछ धनराशि जमा करके निश्चय ही तुम्हें एक खिलौना दिलवा दूंगा, पर अभी नहीं। आओ चल। नहीं, मुझे अभी चाहिए। हाँ, हाँ, पुत्र, अगले माह दिलवा दूंगा। धन के अभाव के कारण एक पिता अपने पुत्र की अभिलाषा पूर्ण न कर पाए, ये मेरे रहते नहीं हो सकता। मुझे वो खिलौना चाहिए पिताजी। हाँ हाँ पुत्र, दिलवा दूंगा। मुझे वो खिलौना अगले माह दिलवा दूंगा। पुत्र, मुझे वो खिलौना। पुत्र, मैंने कहा ना अगले माह दिलवा दूंगा। देखो पुत्र, ये सब समय का खेल, आज हमारा समय सही नहीं है, इस कारण मैं तुम्हें वो खिलौने नहीं दिला सका। अतः भगवान से प्रार्थना करो कि हमारे बुरे दिनों के बादल छट जाएं और अच्छे दिनों का सूर्य उदय हो। प्रार्थना करो। आओ पुत्र। भाई ये क्या कर रहे हैं? भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। अच्छा, किंतु यदि आप इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान आपकी प्रार्थना सुनने के स्थान पर आपसे क्रोधित हो जाएंगे, क्योंकि भगवान से सर उठाकर नहीं अपितु सर झुकाकर मांगना चाहिए। आओ पुत्र, सर झुकाकर प्रार्थना करते। पिताजी ये देखिए। अरे ये क्या है? अरे इसमें तो धन है। पिताजी, भगवान जी ने हमारी प्रार्थना सुन ली, चलो खिलौने लेते हैं। नहीं पुत्र, ये हमारा नहीं, किसी और का है, इस पर हमारा कोई भी अधिकार नहीं। ये पोटली किसकी है भाई? ये मनुष्य धन से वंचित होकर भी अपने संस्कारों से वंचित नहीं है। अरे क्या कोलाहल मचा रहे हैं? भास्कर देखो, किसी की ये पोटली गिर गई है और इसमें धन भी है। अच्छा देखो, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था और कल किसी और का हो जाएगा, किंतु आज तो तुम्हारा है ना, इसलिए ये पोटली रख लो, ये स्वयं भगवान ने तुम्हारे लिए भेजी है। पंडित रामाकृष्ण के पुत्र होकर ऐसी अनैतिक बात कर भी रहे हो और हमें सिखा भी रहे हो, बड़ी लज्जा की बात है। ये पोटली किसकी है? क्या लज्जा की बात है, तुम्हारी सहायता करने के लिए मैंने स्वयं ये पोटली तुम्हारे सामने रखी थी। महाराज का आदेश है ना कि विजयनगर के सबसे सच्चे मनुष्य को धन दिया जाए, तो इसलिए इस धन पर आपका पूर्ण अधिकार है, अन्यथा मैं महाराज से क्या कहूंगा। रख लो। महाराज बड़े ही दयालु हैं, इस धन से तुम्हें मैं अपने पुत्र की सारी मनोकामना पूरी कर सकता हूँ। हाँ पुत्र, अब तुम एक दो नहीं जितने खिलौने चाहिए ले लेना। क्या क्या है? मैंने छिपकर सब कुछ देख लिया। महान पिता के सभी ना सही, किंतु कुछ तो गुण तुम्हारे पिता जरूर विद्यमान है। ठीक है ठीक है, अब जाओ यहाँ से। अरे ऐसा क्या कह दिया मैंने कि तुम मुझे जाने के लिए कह रहे हो? अब इसे कैसे समझाऊं कि मैं कैकाला से ये पता लगाना चाहता हूँ कि मेरे बापू को अंतिम बार कहाँ देखा था? बोलो ना, जाने के लिए क्यों कह रहे हो? देखो कांता, इस समय मैं एक गहन चिंता में हूँ और बात करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, बाद में भेंट होगी, प्रणाम। अरे भास्कर सुनो, भास्कर। Thank you.
उत्तम, अति उत्तम। बस एक पुतले का सर ही धड़ से अलग कर सकती हो तुम, और तो कुछ कर नहीं सकती। करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं महामात्य, किंतु ये राजगद्दी और आपकी महत्वाकांक्षा, ये दोनों बीच में आ जाती है। हमारी महत्वाकांक्षा, तुम कहना क्या चाहती हो? यदि तुम नहीं होगी तो हम विजयनगर का राज सिंहासन प्राप्त नहीं कर सकते। किसी भ्रम में मत रहना, कैकाला नाम है हमारा, और यदि हम अपनी पर आ जाएं तो हमारी तलवार तभी रुकेगी जब हमारा राज्य अभिषेक होगा। आप उचित कह रहे हैं महामात्य, किंतु स्मरण रहे आपके हाथ में तलवार है और पंडित रामाकृष्णा के हाथ में प्रजा का साथ है। हम हर उस हाथ को काट देंगे और हर उस जीव को जो हमारे विरुद्ध बोलने का साहस करेगी। समझी कि नहीं समझी? ऐसे अवाक क्यों हो? हमारे इस तर्क वितर्क से एक बात तो हमें समझ आ गई, यदि एक ही टोली के दो लोग आपस में लड़ते हैं, भिड़ते हैं, तो उनकी शक्ति आधी हो जाती है। और अब समय आ गया है शक्ति आधी करने का। अर्थात? अर्थात चक्रव्यूह हमने रचा अवश्य था, किंतु पंडित रामकृष्ण अर्जुन है इसलिए चक्रव्यूह से बच गया। किंतु भास्कर वो अभिमन्यु है जो हमारा चक्रव्यूह तोड़ नहीं पाएगा। बस अब भास्कर को अपने जाल में फंसाना है। अति शीघ्र यदि पिता को पुत्र के विरुद्ध खड़ा नहीं किया तो हमारा नाम भी कैकाल नहीं है। तुम एक बात तो सुनो भास्कर, सुनो भास्कर, मैं तुमसे सहायता मांग रही हूँ, तुम मुझसे। शीघ्र बताओ क्या सहायता चाहिए। अपने बापू से कुछ तरीका पूछो और मेरे बापू को समझाओ। किस विषय में? इस विषय में कि वो कंजूसी त्याग दे। कंजूसी? क्या कंजूसी दिखाई उन्होंने? अरे मैं अब तुम्हें क्या बताऊं? ठीक है मत बताओ। अरे नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो, मैंने कहा कि नव वर्ष आ रहा है तो मुझे कुछ ज्यादा नहीं, मात्र 4 सोने के हार, 2 जोड़ी सोने के कंगन, 1 हीरे की अंगूठी और 10 रेशमी वस्त्र दिलवा दे। किंतु पिताजी ने मेरी इतनी छोटी सी मांग स्वीकार नहीं की। देखा कितने कंजूस है वो। छोटी सी मांग? वाह, ये छोटी सी मांगे तो बड़ी सी मांग कैसी होगी? उचित किया जो उन्होंने मना कर दिया, अब क्या डाका डालकर तुम्हारे लिए धन लेंगे तुम्हारी मांग पूरी करने के लिए? किंतु किंतु विंतु छोड़ो और जाकर अपने पिताजी से क्षमा मांगो। मैं पिताजी से क्षमा नहीं मांगती, मेरी भूल हो या उनकी, क्षमा तो वही मांगते है मुझसे। ऐसा क्यों? पिता और पुत्री का संबंध बहुत ही भावनात्मक होता है, मैं थोड़ी सी रुवासी क्या हो जाती हूँ, वो तत्काल मुझसे क्षमा मांगकर मुझे मनाने में जुट जाता है। और कोई भी पिता अपनी पुत्री को दुखी या उदास नहीं देख सकता, उसकी प्रसन्नता के बदले वो कुछ भी कर सकता है। पिता पुत्री के लिए कुछ भी कर सकता है। वो तेरी मिल गई भास्कर, तुझे ताले की कुंजी मिल गई, जिसे लगाकर अब कैकाला नाम का ताला खोलने में अम्रपाली तेरी मदद करेगी। कांता, कितना अच्छा है ना कि तुम मेरे बाल्यकाल की मित्र हो। किंतु सहसा तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने प्रसन्न कैसे हो गए? वो तुम नहीं समझोगी। अच्छा मैं घर जाता हूँ, तुम अपने घर जाकर स्नान अवश्य करना। हाँ स्नान? किंतु मैं स्नान कर चुकी हूँ। कोई बात नहीं, उन्हें स्नान करना पड़ेगा। क्यों? क्यों? क्योंकि गुरुजी हमसे ये नहीं हो पा रहा है, आप हमें अनुमति दीजिए, हमारा पूजा का समय हो रहा है। नहीं देवी आम्रपाली, आपके पिताजी ने हमें सैन्य शिक्षा के लिए भेजा है,
अतः आप सैन्य शिक्षा को सीख ही जाएंगे। गुरुजी हमसे नहीं हो पा रहा है। आपसे इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपका चित एकाग्र नहीं है। आप नेत्रों को बंद रखिए और ध्यान धारण कीजिए, बस यही आपका प्रथम अभ्यास होगा। ठीक है, जैसा आप कहें। इस घंटी को पकड़ो और भिन्न भिन्न दिशा में जाकर इस घंटी को जोर से बजाओ, और देवी आम्रपाली, घंटी की ध्वनि जिस दिशा से आए आप उसी दिशा में बाण को चलाएं। जी गुरुजी। गुरुजी प्रणाम, आपको महामाती जी ने बुलाया है। ठीक है, हम चलते हैं, और देवी आम्रपाली आप अभ्यास करते रहिए। जी गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। बातों का ऐसा जाल बिछाना होगा जिसमें आम्रपाली फंस जाए, किसी भी तरह उसे प्रभावित करना ही होगा। वो तेरी आम्रपाली। ये क्या हो गया? शमा, शमा। भास्कर, देखो कितना रक्त बह रहा है। भास्कर, भास्कर क्या तुम ठीक हो? भास्कर उठो, आगे खोलो। भास्कर सेवकों, भास्कर क्या तुम ठीक हो? आंखें खोलो। मैं कहाँ हूँ? क्या मैं स्वर्ग पहुंच गया? शिव जी कहाँ है? भास्कर तुम स्वर्ग में नहीं हो। तो क्या मैं नरक पहुंच गया? नहीं 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 भास्कर, तुम पृथ्वी लोक में ही हो। ध्यान से देखो, हम तुम्हारे सम्मुख बैठे हुए हैं। अरे तुम यहाँ कैसे? मेरा तात्पर्य है, मैं यहाँ कैसे? न जाने वो कौन पापी कपटी दुराचारी था जिसने मुझ पर बाण चलाया। तुमने उसे देखा था क्या? भास्कर हमें क्षमा कर दो, हमने तीर चलाया था। क्या? क्यों? मुझसे कैसी शत्रुता? नहीं नहीं, वो घंटी की ध्वनि सुनकर हम बाण चला रहे थे, किंतु तुमने वो घंटी उठा दी और वो घंटी की ध्वनि सुनकर हमने फिर से बाण चला दिया। वाह, बिना ये सोचे कि तुम्हारे बाण से किसी के प्राण जा सकते हैं, कोई ऊपर पहुंच सकता है। हमें ज्ञात नहीं था कि वो तुम हो, तुमने घंटी क्यों उठाई? अरे मुझे क्या ज्ञात था कि मैं घंटी नहीं अपनी मृत्यु का सामान उठा रहा हूँ। हमें भी क्या ज्ञात था कि वो घंटी तुम उठाओगे, वरना हम वो बाण कभी नहीं चलाते। भास्कर हमें क्षमा कर दो। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मित्रता में क्षमा और धन्यवाद का क्या स्थान, और हम दोनों तो मित्र है ना, है ना? राक्षस आ गया। राजकुमारी जी शीघ्र कीजिए, मेरे नेत्रों में कुछ चला गया है। नेत्रों में? हाँ। क्षमा करें महामात्य, क्षमा करें, वो मेरी आंखों में उड़कर कुछ चला गया था, तो देवी आम्रपाली बस निकालने में सहायता कर रही थी। ओ तेरी भास्कर, अब कहीं इसने अपनी तलवार से तेरी सहायता कर दी तो सीधा गर्दन ही उड़ा देगा। हमें सब ज्ञात है कि क्या हुआ।
समझे कि नहीं समझे? आओ बैठ, यहाँ बैठ। सब ज्ञात है? तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है। राजकुमारी आम्रपाली की ओर से हम तुमसे क्षमा मांगते हैं। ये कौवा आज कोयल की बोली कैसे बोल रहा है? अम्मो बिटिया, आपको तीर ध्यान पूर्वक चलाना चाहिए था, इसके प्राण भी जा सकते थे। नहीं नहीं महामात्य, इनकी कोई भूल नहीं है, ये तो मात्र अभ्यास ही कर रही थी। नहीं 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 नहीं, भूल भूल होती है। राजवैद्य से इनके घाव का इलाज कराओ, इन्हें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। समझे कि नहीं समझे? महामात्य, आप कहें तो भास्कर के घाव का उपचार राजवैद्य से करवा दें। ऐसा कैसे सोच लेते हो? उत्तम विषय। अपनी पुत्री को भास्कर से दूर रखना होगा। भास्कर सोच भी नहीं सकता कि पिता और पुत्र को एक दूसरे के विरुद्ध करने की क्या चाल चलने वाले हैं हम। भास्कर, आप विश्राम करें। आइए अम्मू, भास्कर को विश्राम करने देते हैं। वह जब गांव-गांव के स्थान पर कोयल की भांति कुहू कुहू गाने लगे तो समझ जाओ कुछ तो गड़बड़ है। आखिर इस कहकाला के मस्तिष्क में चल क्या रहा है? प्रशंसा क्यों ना करूं पंडित रामकृष्ण की, पूरे विजयनगर में उन्हीं की चर्चा है। कैसे अपने बुद्धि और कौशल से इस पूरे विजयनगर की रक्षा की उन्होंने। मंदाकिनी देवी जी, पंडित रामकृष्णा को पहले सुलझाने में सहायता कौन करता है? हम दोनों ही तो करते हैं। तुम दोनों सत्य कह रहे हो? हम दोनों ही तो सहायता करते हैं। अच्छा तो सुनो ना, बोलिए ना, एक बार उनसे मेरी भेंट करवा दो। पंडित रामकृष्णा से मिलकर मैं धन्य हो जाऊंगी। मंदाकिनी, पुष्प का काटा। मंदाकिनी, मित्र तुम हमारी हो, तुम्हारे लिए तो हमने अपने केश काले करवाए हैं। और मिलकर धन्य तुम पंडित रामकृष्ण से हो जाओगी, ऐसा कैसे हो सकता है? हटो, वो तो हमारे ही चेले हैं, बिना हमारी सलाह के वो कोई कार्य नहीं करते। अच्छा, किंतु धनी मनी का भी यही कहना है कि पंडित रामकृष्ण इनसे सलाह लेते हैं। इन दोनों से? अरे इन दोनों से तो पंडित रामकृष्ण के सेवक भी सलाह न ले, वो तो हम हैं जो। आप रहने दीजिए, पंडित रामकृष्ण के समक्ष आप कुछ भी नहीं है। हम कुछ भी नहीं, दिव्य सागर चतुराई की गागर, पंडितों के पंडित, प्रकांड पंडित तथाचार्य, कुछ नहीं है वो, हमारी सलाह के बिना कुछ नहीं है। यदि ऐसा है तो अगले 7 दिनों में आप पंडित रामकृष्ण को बुद्धि में परास्त करके दिखाएं। और यदि हमने करके दिखा दिया तो? यदि आपने समस्त विजयनगर के सम्मुख पंडित रामकृष्ण को बुद्धि कौशल में परास्त कर दिया तो ये मंदाकिनी सदैव के लिए आपकी हो जाएगी। अन्यथा मेरे लिए आप में और धनी मनी में कोई अंतर नहीं रहेगा। ठीक है, हम तुम्हारी चुनौती स्वीकार करते हैं मंदाकिनी। हम 7 दिन के भीतर ये सिद्ध कर देंगे कि हम पंडित रामकृष्ण से हर बात में हर कार्य में कहीं अधिक श्रेष्ठ है। ये देखो, ये है ध्रुव तारा, इसे ऊपर करो, और ये है मंगल ग्रह। तुम्हें तो इस विषय की गहन जानकारी है, अध्ययन किया है क्या अंतरिक्ष विज्ञान पर? नहीं नहीं, हमें तो बचपन से ही ना इसमें बड़ी रुचि रही है। तुम देखो ना। हाँ।
होगा तुम्हें। अरे वो अग्नि का गोला हमारी ओर इस धरती की ओर बढ़ रहा है और तुम हंस रही हो। हाँ भास्कर, क्योंकि प्रति वर्ष ये आग का गोला इसी समय पर ऐसा ही दिखता है, किंतु पृथ्वी से कभी टकराता भी नहीं, अपेतु हवा की वेग से कहीं और दिशा में चला जाता है। अच्छा मैं ये केकाला इस समय कहाँ जा रहा है? अच्छा अब मुझे अनुमति दो, बहुत विलंब हो गया है, शारदा अम्मा प्रतीक्षा कर रही होंगी, पुनः भेंट होगी। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। अग्नि का गोला। गुरुजी अभी और कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, अब तो बस विजयनगर के राज सिंहासन पर बैठकर ही चैन मिलेगा, और उसके लिए हम महाराज के प्राण लेने के लिए पूर्णतः तैयार हैं। हमारे और राजगद्दी के बीच, महाराज और उनकी मृत्यु के बीच मात्र दो कदमों की दूरी रह गई थी, परंतु पंडित रामकृष्ण ने पूरी बाजी ही पलट दी। अब तुमने क्या सोचा है? हमने उस पंडित रामकृष्ण के पुत्र भास्कर को अपने जाल में फंसाना प्रारंभ कर दिया है। अब वो दिन दूर नहीं जब हम पिता और पुत्र दोनों को शत्रुता के एक नए रिश्ते में बांध देंगे। रक्त ही रक्त को ललकारेगा। गुरुजी, हमें आशीर्वाद दें कि हम अपनी इस मंशा में सफल हों। जो तुम्हारी आकांक्षा है वो पूरी हो। हम शत्रुनाशक मंत्र का जाप करेंगे, पंडित रामकृष्ण का नाश होके रहेगा और तुम बनोगे विजयनगर के महाराजा।